पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आने वाली सीमा हैदर के मामले में लापरवाही बरतने पर बीएसएफ के दो जवानों को सस्पेंड किया गया है। इसमें एसएसबी के एक इंस्पेक्टर और एक जवान शामिल है। इन दोनों जवानों की ड्यूटी सिद्धार्थनगर बॉर्डर से भारत आने वाली बस में चेकिंग करने की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार जिन सशस्त्र सीमा बल जवानों का निलंबन हुआ है वह 43वीं बटालियन से थे। उनका नाम इंस्पेक्टर सुजीत कुमार वर्मा और हेड कांस्टेबल चंद्रकमल है। इन दोनों ने उस वाहन की जांच की थी जिसमें सीमा अपने बच्चों के साथ सवार थी। दोनों को जांच पूरी होने तक निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ पूर्ण अदालती जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा अन्य पहलुओं पर भी जांच की जाएगी। भारत से नेपाल में दाखिल होने वाले हर किसी शख्स की जांच करना संभव नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं। इसके लिए वीजा की भी आवश्यकता नहीं होती जिसकी वजह से कोई भी आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। हालांकि इस मामले में जाँच होने के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। इस सख्ती के बाद अब एटीएस और आईबी भी सीमा हैदर पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियां सीमा से पूछताछ कर सकती है। वहीं पाकिस्तान से एम्बेसी से सीमा के पासपोर्ट के वेरिफिकेशन की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट मिलते ही सीमा को डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू की जाएगी। पाकिस्तानी सीमा और सचिन की आर्थिक तंगहाली की खबरें सामने आने के बाद लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सीमा को फिल्म में काम करने का ऑफर मिलने के बाद अब राजनीति में आने का भी न्योता मिल गया है। यह ऑफर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने दिया है। पार्टी का कहना है कि सीमा हैदर को क्लीन चिट मिलने के बाद आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट देंगी। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किशोर मासूम ने बयान जारी कर सीमा को चुनाव में उतारने की बात कही है। उनका कहना है कि सीमा ने भी इसके लिए हाँ कर दिया है। इसके पहले राजस्थान के कन्हैया लाल हत्याकांड पर बन रही फिल्म में सीमा हैदर को रॉ एजेंट का रोल ऑफर हो चुका है। बुधवार को फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी अपनी टीम जानी फायरफॉक्स के साथ सीमा सचिन के घर पहुंचे थे। अमित ने सीमा को फिल्म अ टेलर मर्डर स्टोरी में रॉ एजेंट का किरदार निभाने का ऑफर दिया था।